तो भाई यार आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में देखो यार पबजी बैन हो चुका है। ये सब ये बात सबको पता ही चल गई होगी, लेकिन अभी कुछ बातें हैं जो किसी को नहीं पता कि पबजी बैन हो सकता, अनबैन हो सकता है या ना फिर नहीं। तो भाई बता दूँ, हो सकता है पबजी अनबैन, पर देखो टेंसेंट को उन्हें लात मार के भगाना पड़ेगा, तब जाके बैन होगा पबजी, वो अनबैन होगा पबजी। अब देखो चांसेस हैं बहुत, और फिर बात करेगी मतलब आखिर कॉल ऑफ ड्यूटी अभी तक बैन करेगा, क्योंकि वो भी टेंसेंट का गेम है। लेकिन भाई टेंसेंट का वो गेम था ना कि है, अब नहीं रहा वो टेंसेंट का गेम। टेंसेंट को तो लात मार के भगा दिया भाई सीओडी वालों ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि पबजी वाले कैसे करेंगे। देखो पबजी वालों को ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा, उसकी वजह है क्योंकि चाइना से उन्हें उन्हें 10% देना पड़ता था, और चाइना को 10% लेके भी दिनों में मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट होता था। और बात करें कोरिया की, तो वहाँ पे तो 80% और 90% जाते हैं, तो भाई सोच लो उनको कितना प्रॉफिट होता होगा। और भाई सच कहूँ ना, अभी पहले मेरे टीममेट का क्लच देखो उसने कैसे किया। तो यार वापस आते अपने मेन मुद्दे पर, तो सीधा सीधा कहता हूँ भाई देखो बात रही कि पबजी वाले अगर देखो उसमें जो गन्स की स्किन बनती है ना वो 10% वो उन्हें चाइना से लेना पड़ता है, 10% 10% लेंगे, 80% वो उनके ऊपर भाई। अगर वो 10% लेते तो उनमें उनका ही घाटा है, हमारा कुछ जाता है। और देखो एक और चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है कि अगर गलती से उन्होंने 10% का साथ दिया तो भाई पबजी नहीं आ पाएगा यार, सॉरी। पर कोई नहीं गाइस, पबजी से ज़्यादा ना देश है, इतना बता दूँ बस। और भाई अब जो सोचे कि कोरियन पबजी अभी तक बचा हुआ है, तो भाई कोरियन पबजी भी नहीं बचा हुआ, क्योंकि वो कनेक्ट तो एशिया से ही है ना। अगर वो और उनकी ब्लो होल मतलब जो पूरा है वो पबजी कॉरपोरेशन है, ठीक है, और वो पूरा एशिया सर्वर से कनेक्ट है, और जितने भी हमारे इंटरनेट है जब वही उन्हें सर्वर से निकाल देंगे इंडिया के, तो फिर चलेगा ही नहीं, मतलब चल ही नहीं सकता वो, उसके लिए नेट देंगे ही नहीं, तो भाई मतलब नहीं चल पाएगा, तो कोरियन पबजी भी नहीं चल सकता। सैड न्यूज, वैसे इसने काफ़ी दिल चुराया मेरा। और भाई अगर बात रही आपकी क्या मतलब क्या वो टेंसेंट को निकालेंगे, तो हाँ दिनों के अंदर टेंसेंट पबजी से गायब हो जाएगा, इक्वल्स टू की जो हमारे स्टार्टिंग में लिखा आता था ना वो टेंसेंट का गेम, जब टेंसेंट गेम तो वो अब नहीं लिखाएगा, ठीक है, तो अब इक्वल्स टू पबजी वापस आ सकता है। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ पबजी को ही निकाल दें तो भाई नहीं आ सकता पबजी वापस, तो हमें सीओडी ही खेलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में हम भी। और भाई बहुत से लोग तो यही बोल रहे कि इसमें गवर्नमेंट का दोष है। भाई देखो जब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, ठीक है, तब आप बोलते हो कि भाई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इस बार कर रही है तो आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट, ठीक है भाई, ये गलत है, बहुत गलत है ये बात। देखिए गेम से ज़िंदगी बढ़ी है या गेम, बताओ अभी आप भी बताओ कमेंट करके, भाई मैं नहीं बताऊँगा इस चीज़ के बारे में, कुछ बोलूँगा ही नहीं। अब कहीं बात करते हैं कि जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसमें जो अनाउंसमेंट हुई कि 7 दिन के अंदर 10 सेंट को भगा दिया जाएगा, क्या वो सच है झूठ, ये बात मेरे को भी नहीं पता, मैंने पबजी के डिस्कॉर्ड, तो भाई यार मेरे को भी नहीं पता डिस्कॉर्ड के बारे में, ये बात सच है झूठ मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। मतलब देखो अब मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं पबजी की वीडियो डाला करता था, मतलब ऑल गेम्स ऑलमोस्ट ऑल गेम्स खेलता था, पर मैं पबजी की मोस्ट वीडियो मतलब मोस्ट ऑफ द वीडियो मेरी पबजी की ही रहती थी, तो मेरे पे भी इफेक्ट पड़ा है। और भाई समझ सकते हो भाई, बड़े बड़े स्ट्रीमर्स ने भी बोल ही दिया कि गवर्नमेंट फर्स्ट नहीं है, देश फर्स्ट है, ठीक है, और पबजी लास्ट है भाई, उसके सामने कुछ नहीं कर सकते हम भी। और बात करें कि क्या पबजी को ऐसा करना चाहिए या नहीं, अब देखो करना चाहिए क्योंकि चाइना तो उन्हें लात मार लगाएगा, क्योंकि चाइना जैसा देश है कहीं पे भी नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि चाइना जैसा गंदा सा देश होगा कहीं पे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि मैं पबजी गेम प्ले क्यों देखा, मेरे पास पचे कुछ पबजी के गेम प्लेज हैं, अब देखते हैं क्या करेंगे भाई। देखो 7 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने के अंदर पबजी अनबैन हो जाता है, अगर 1 महीना से ज़्यादा हो गया अब पबजी अनबैन नहीं हुआ तो मतलब बहुत कम चांसेस बचेंगे फिर अनबैन होने के, और तब तक आप पबजी पीसी खेल सकते हो, वो अब तक बैन नहीं हुआ, अगर खेलना है तो अगर आपको पबजी खेलिए तो भाई सीओडी खेलो तब तक। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं भाई
ही नहीं थे, मतलब मोस्ट ऑफ मेरे फ्रेंड्स ना सीओडी में हैं, मतलब फ्रेंड दो दिन खेलते थे पर उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं है, तो क्या कुछ नहीं कर सकते यार अब। जान के साथ नहीं, और जान के साथ खेला जा रहा था जब तक पबजी चालू था, मतलब सीधा सीधा कहूँ तो अगर चाइनीज मतलब अगर उसे ट्रैक कर सकते हैं और वो जो मुझे बताने जरूरत है कि चाइना और इंडिया का अभी क्या चल रहा है, तो मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि क्या पबजी बैन होगा या नहीं, पबजी विल बैन इन इंडिया और नॉट, तो भाई उसको मुझे लगा था कि नहीं होगा, लेकिन इस बार हद से ज़्यादा ही भाई चाइना के बारे में तो कह सकते वो है ही ऐसा क्या हुआ ये, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही कर दी, तो भाई अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था, ऑप्शन अगर होते तो यू नो तो भी कम चले जाता, लेकिन अब जब कुछ बचा ही नहीं भाई, उन्होंने साफ साफ वॉर कहते हैं, कैसे कैसे कहूँ कह नहीं पा रहा है खुद भी, लेकिन देखो मैंने पबजी को जितना टाइम दिया उतना टाइम आई डोंट थिंक किसी ने दिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ, स्ट्रीमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, जितना टाइम उनने कभी नहीं दिया होगा उतना टाइम मैंने दिया है, वो एज पे जाते हैं कॉन्करर मतलब सब पे गए हैं, लेकिन भाई उन्होंने जितना मैंने जितना टाइम दिया ट्रेनिंग में भाई उतना टाइम आई डोंट थिंक मेरे जान पहचान में किसी ने दिया होगा, स्ट्रीमर्स की बात नहीं कर रहा मैं पहले बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ गाइस, स्ट्रीमर्स तो मतलब वो तो अलग ही लेवल पे भाई, उन जैसे हम कभी नहीं खेल सकते, हम का मतलब मैं तो ये बहुत सारे बोलेंगे कि तू मतलब इमोशनल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं दिख सकता भाई, देखो इमोशनल होकर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो भाई आपको पसंद नहीं आएगी, बोलोगे कि तो दादी ओवर एक्टिंग हो गई, ठीक है, तो और मुझे ये सब एक्टिंग वैक्टिंग ड्रामेबाजी पसंद है नहीं, तो भाई सच कहूँ ना जितने टाइम मैंने ट्रेनिंग पे लगा, देखो पहले एक टाइम तो जब मैं सिर्फ थंब खेलता था, उसके बाद मैं थ्री फिंगर पे आया, उसके बाद मैं फाइव फिंगर पे आया डायरेक्ट, उसके बाद फोर फिंगर, फिर फोर फिंगर के बाद जायरो, जायरो के बाद अब मैं मतलब क्या कहूँ भाई, मैं ऑलमोस्ट जायरो पे आ गया था और पूरा का पूरा ही आ गया था, बल्कि अब जायरो पे डिपेंड था मैं पूरा, तो इसलिए मेरे साथ कोई और गेम नहीं खेल सकती, और फ्री फायर की बात करें तो फ्री फायर अब मैं कुछ नहीं कह सकता, फ्री फायर की सेंसिटिविटी बहुत बेकार है, ये नहीं कहूँगा कि फ्री फायर गेम बेकार है, लेकिन जो सेंसिटिविटी है वो बेकार है, तो कंप्यूटर में एक मिनट का सही भी होगा, तो देखते हैं कि पीसी में खेलेंगे या नॉर्मल फ़ोन पे, अब वो देखा जाएगा। और बात रही कोड की, तो कॉल ऑफ ड्यूटी 2 के गेम प्ले आ सकते हैं भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी 2 के पीसी जो कॉल ऑफ ड्यूटी 2 गेम है उसके गेम प्ले आ सकते हैं, ठीक है, और कॉल ऑफ ड्यूटी 2 में पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है, तो गाइस कुछ ऐसा मैं सोचना कि इसे देना सब कैसे पता, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी 2 में ऑलमोस्ट 2 साल से खेल रहा हूँ, मल्टीप्लेयर टाइप की गेम है तो उसके गेम प्ले आ सकते हैं यार, अब वो भी स्टोरी लाइन टाइप की गेम है, तो देखते हैं क्या वो आ पाएगी या नहीं, पर सच कहूँ ना तो पबजी की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पबजी जैसे ग्राफिक, पबजी जैसे इमोशन, मतलब जो चीज़ पबजी में हमने की है और भूल ही जाओ, मतलब कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं। अब बहुत से लोग तो इसमें इंतजार होंगे कि देखो जब तक पबजी चल रहा है ना तब तक खेल लो भाई, खेल लो कंटेंट क्रिएटर, तब तक वीडियो बना लो भाई, आप बना लो वीडियो जितनी वीडियो बना सकते हो, क्योंकि आपके लिए अच्छा है, 2-3 दिन तक पबजी डालोगे उसके बाद पबजी भाई बंद। और अब भाई सच कहूँ ना, जो डिस्कॉर्ड वाली बात थी ना, मुझे मतलब क्या कहूँ, मुझे नहीं पता वो सच है गलत, मैंने डिस्कॉर्ड के बारे में एक दो बंदे से सुना था, वो नहीं पता कि वो भी फेक वीडियो उसके पास में आते नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने रिसर्च थोड़ी सी की है भाई, थोड़ी सी मतलब बहुत की थी, लेकिन मैंने डिस्कॉर्ड के बारे में भी बहुत सच मारा, मेरे को अभी भी पता चला। तो भाई मैं अभी थोड़ा सर्च मार के आया हूँ, तो जो डिस्कॉर्ड वाली बात है वो टोटली फेक है, ठीक है, मैं टोटली नहीं कह रहा, मैं पूरे 95% श्योर हूँ, वो 5% नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि अपने दिल में एक ऐसी उम्मीद की किरण जगाए रखना कि पबजी वापस आ सकता है तो वो बुरी बात नहीं है, पर देखते हैं भाई अब क्या पबजी वापस आएगा या फिर नहीं, भाई मेरे को खुद को नहीं पता चल रहा कि पबजी बैन हो कैसे गया, मतलब देखो पबजी वालों की तो बात ही छोड़ दो, ब्लू होल कंपनी पागल हो चुकी है, 10% के चक्कर में 80% गवा दिया, 80-90%,
इन लोगों को सिर्फ एक चीज़ ही पता, जितने पैसे इनको एक्स्ट्रा चाहिए ना, लालच मतलब एक्स्ट्रा लालच बोले तो इन्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे रॉयल पास स्किन के चक्कर में, इन्होंने अपने सब कुछ गवा दिया। क्योंकि इंडिया से जिन्हें इतना, मैं बता दूँ चाइना को सिर्फ एक रात के या एक पूरा दिन ही मान लो कम से कम 10 बिलियन कुछ भी कह लो भाई, मतलब एक हफ्ता मान लो, चलो हाँ एक हफ्ते में ये 1 या 10 बिलियन डॉलर आराम से कमा लेते हैं। सिर्फ 10% हो गए तो कोरियन का कितना फ़ायदा हो रहा होगा यार, मुझे ये पता नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, ठीक है। और बस यही कहना था भाई आज के लिए इतना ही है, मैं और कुछ कह भी नहीं सकता भाई। लालच बुरी बला है, बुरी बला है, इन्होंने लालच किया, अब इनको ही भुगतना पड़ेगा हमारे इंडिया में। और भी गेम है, हम एक गेम के लिए ना देश को नहीं छोड़ सकते, ये बात सच है। और कुछ छोड़ सकते तो देश को मानो इनको। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आज के लिए मेरा इतना ही है भाई, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, ये वीडियो भी लंबी हो गई है और इतना ज़्यादा ज्ञान भाई किसी को पसंद भी नहीं होगा सुनना, और पर जो भी मैंने बात की ना भाई सच की, जितना मेरे को सुनने में आया जितना मेरे को पता है मैंने उतना ही बताया भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया मैंने, जैसे कि कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं बताई है मैंने, जो मुझे पता था मैंने वो सब बता दिया भाई। अब मेरे को नहीं पता कि पबजी आ सकता है नहीं, अब देखो अगर अगर जैसे COD मैं अभी खेल रहा हूँ सिर्फ एक वजह से, क्योंकि अगर COD ने टेंशन को छोड़ दिया तो वो बच गया, ठीक है, उसे पता है उसे इंडिया से जितना सपोर्ट मिल सकता है ना उतना किसी देश से नहीं मिलेगा, उसे उसे अपनी सिर्फ एक बार जगह बनानी है जो कि उसने बना ली, बहुत कम टाइम में उसके इतने 100 मिलियन डाउनलोडर हो गए थे, लेकिन अब वो बढ़ने बंद हो गए क्योंकि वापस लोग पबजी में जाने लगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड उनके पबजी में रहते थे, जैसे मेरे भी ऑलमोस्ट हर एक फ्रेंड मेरा पबजी है, पबजी खेलता है मतलब, ठीक है। तो अब उनके साथ मैं कैसे खेलूँगा COD, मतलब कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, मतलब अब देखो बात रही सिर्फ इसकी कि उनके साथ खेलने में दिक्कत होगी, पबजी में मुझे रैंडमली मिल जाते हैं, वो इतने अच्छे बनते हैं, अब भाई कुछ नहीं कर सकते हम इसमें अब। तो भाई ये वीडियो लंबी हो चुकी है, थैंक, अगर आपको पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे गेम प्लेज हैं और इसके एंड में जो भी मेरी एक आईडी है राइवल रेवल की पबजी की, उसमें जो कुछ भी था मैंने उस वीडियो में दिखा दिया, तो भाई देख सकते हो आपके ऊपर है, आपको आगे कल गेम प्ले देखना है तो देखो भाई, वरना मत देखो आपकी मर्जी है। और भाई पर अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब, जितना ग्राइंड मैंने किया था ना सिर्फ इन दो तीन हफ्तों की बात कर रहा हूँ, कितने कंट्रोल शिफ्ट किए होंगे, चलो एक बंदा होता है कि कंट्रोल से ले लेता है, लेकिन मैंने कितने कंट्रोल शिफ्ट कर देते, लेकिन तब जाके पबजी बैन हुआ है भाई। मैं तो जायरो की सेंसिटिविटी चेक कर रहा था बार बार, हर बार तो मैं जायरो की सेंसिटिविटी देखता था, पर अब क्या कर सकते हैं यार, अब कुछ नहीं कर सकते। तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा, और आपको ऐसी कंटेंट मतलब गेम प्लेस वेम प्लेस पबजी तो छोड़ो यार, आ सकता है अभी भी किरण है भाई, सोचना मतलब ये सब सोच के रहोगे तो अच्छी बात है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, कैग्रॉड सेंडिंग आउट, आगे का गेम प्ले है देखना तो देखो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी। To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.